हेलो फूडीज, वेलकम टू क्रिएटिंग फूड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इजी रेसिपी। ये है मोनाको पिज्ज़ा बाइट की रेसिपी। इसे बनाना बहुत आसान है और आप इसे हर ओकेजन में बना के सर्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं ये रेसिपी कैसे बनती है। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ पर मैंने एक पैकेट मोनाको ले लिया है। ये 10 रुपये का मिलता है और ईजिली किसी भी मार्केट में अवेलेबल होता है। सब्जियों में मैंने ले लिया है शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न और प्याज, और इसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैंने मोनाको को एक प्लेट में निकाल लिया है, जिसके ऊपर मैं लगाऊंगी पिज्ज़ा सॉस। पिज्ज़ा सॉस, इंस्टेंट पिज्ज़ा सॉस की रेसिपी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। और हर मोनाको पे मैंने 1/2 टीस्पून पिज्ज़ा सॉस लगाया है, क्योंकि मुझे पिज्ज़ा सॉस का टैंगी स्पाइसी फ्लेवर बहुत पसंद है। आप अपने अकॉर्डिंग पिज्ज़ा सॉस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पिज्ज़ा सॉस लगा के अपने बिस्किट्स को तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर हम सब्जियों की टॉपिंग डालेंगे। तो यहाँ पर फटाफट हम शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न और प्याज की टॉपिंग डाल देंगे अपने बिस्किट पे। आप चाहें तो कोई भी सब्जी का यूज़ कर सकते हैं। आप ऑलिव्स, ऑरिगेनो, टोमेटोस, कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। हर सब्जी में ये मोनाको पिज्ज़ा बाइट बहुत ही टेस्टी लगती है और एक बार में आप इसे खा सकते हैं। मतलब कि एक बाइट में ही एक मोनाको बिस्किट ख़त्म हो जाता है और फिर उसके बाद जो बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स आपके माउथ में होता है वो हेवन है, ट्रस्ट मी। क्योंकि इसमें हम चीज़ डालेंगे, ऑरिगेनो डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे, तो सबका बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है और ये छोटे छोटे पिज्ज़ा बाइट काफ़ी टेस्टी होते हैं। तो अब जब हमने इसमें सारी सब्जियां डाल ली हैं, अब हम इसके ऊपर से डालेंगे चीज़। चीज़ आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोसेस्ड चीज़ ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने नॉर्मल डाइस्ड चीज़ ली है, जो कि 3-4 चीज़ का मिक्सचर है, जैसे कि चेटार चीज़ हो गया, मोज़रेला चीज़ हो गया और पार्मेसान हो गया। ये देखिए, यहाँ पे हमने चीज़ ले ली है डाइस्ड और इसे हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे कुछ इस तरीके से। आप खूब सारी चीज़ डालिए, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ की है, क्योंकि चीज़ का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जब आपकी चीज़ मेल्ट हो जाती है। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं इस मूवमेंट में, पर क्योंकि मेरा पिज्ज़ा सॉस सारे फ्लेवर को बैलेंस कर रहा है तो मैंने सिर्फ ऑरिगैनो डाला है, मैंने चिली फ्लेक्स नहीं यूज़ किया है। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऑरिगैनो डाल लेंगे, ये देखिए, इन दी एंड, और फिर इसके बाद हम इसे फटाफट बेक कर लेंगे। मैंने ये 2 प्रोसेस से बनाया है, यानी कि पैन में और माइक्रोवेव में। आपको जो प्रोसेस पसंद आए आप उस प्रोसेस से इसे बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने पैन में बटर ग्रीस कर लिया था और उसके ऊपर मैंने अपने मोनाको पिज्ज़ा रख लिए हैं और अब हम इसे कन्वेक्शन मोड पे 3 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। यहाँ पे मेरा माइक्रोवेव में ऑटो कुक मेन्यू है, तो मैंने पिज्ज़ा ऑप्शन सेलेक्ट करके इसे 3 मिनट के लिए कन्वेक्शन मोड पे बेक किया है। अगर आपके माइक्रोवेव में ऑटो कुक मेन्यू ना हो तो आप नॉर्मली 3 मिनट के लिए कन्वेक्शन मोड पे बेक कर सकते हैं और फिर जब चीज़ मेल्ट हो जाए तो आप इसे निकाल लीजिए। ये देखिए, हमारे मोनाको पिज्ज़ा एकदम तैयार है, रेडी टू सर्व। और अब हम फटाफट इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं। मैंने इसे एक वाइट प्लेट में सर्व किया है, जिससे कलर का कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा आया है। और ये देखिए, कलरफुल मोनाको पिज्ज़ा कितने टेस्टी लग रहे हैं। आप देख सकते हैं चीज़ कितने अच्छे से मेल्ट हुई है। तो फटाफट ये बनाएं और सबको खिलाएं। यहाँ पर मैंने इसे सेम प्रोसेस से पैन पर भी बनाया है। पैन पर मैंने बटर को ग्रीस कर लिया है और मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने गैस की फ्लेम रखी है और इस पर हम अपने मोनाको पिज्ज़ा रख देंगे और इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि हमारी चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती, या फिर आप इसे 3 मिनट के लिए भी कुक कर सकते हैं। याद रहे, आपको गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखनी है। आप मोनाको की जगह कोई भी बिस्किट का यूज़ कर सकते हैं, जो बिस्किट नॉर्मल हो या फिर थोड़ा सॉल्टेड हो। ये देखिए कितनी टेस्टी मोनाको पिज्ज़ा बाइट बनके तैयार है। दोनों
माइक्रोवेव और पैन पर, तो फटाफट बनाइए ये रेसिपी और घर पे सबको खिलाइए। ये रेसिपी आपके बच्चों को, आपके घर पे सबको बहुत पसंद आने वाली है। आप इसे किसी भी पार्टी या ओकेजन पे बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो। डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू दोस्तों, बाय।